तो भाई हम मौजूद है मस्कन बर्गर पर। ये मस्कन मेन मस्कन पे मौजूद है चॉपस्टिक के बिल्कुल बराबर में। तो सलमान भाई का ये बर्गर है, शामी कावा वाला बर्गर बनाते हैं और अंडे वाला बर्गर बनाते हैं। और इसके अलावा इनके पास सैंडविचेस थे जो इन्होंने ख़त्म कर दिए फिलहाल किसी वजह से। बाकी इनका जो है वो अंडे वाला बर्गर हमने बनवाया है, वो आपको जो है ना टेस्ट करके रिव्यू करके बताता हूँ कैसा है। और हम मौजूद हैं मस्कन बर्गर में, मस्कन बर्गर आकर ज़रूर ट्राई करें। तो आप ये बन काट रहे हैं? ये मैं बन की कटिंग कर रहा हूँ। अब उन्होंने कहा है कि एक मुझे कस्टमर ने कहा है कि अंडे वाला बना दो और एक मुझे दो बना दो सादे। ठीक है, सही है, मैंने ऑर्डर ले लिया, मेरा सही है, हो जाएगा भाई। अभी वही आप वहाँ पे सौगी कर रहे हैं? बिल्कुल सौगी, थोड़ा सा सौगी करना पड़ता है इसमें ताकि टेस्ट डेवलप हो जाए। हाँ, थोड़ा सा यानी टेस्ट आ जाता है, अपना टेस्ट डेवलप। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप ये बताइएगा कि स्टार्टअप जो है स्टार्ट करने के लिए, ये छोटा सा आपका कार्ड बिजनेस है। Yes. और जो जिस हिसाब से मुझे नजर आ रहा है आपकी जो है वो माहौल एम्बियंस वगैरह भी आपने बहुत अच्छा रखा हुआ है। mm-hmm. और जो है वो सफाई सुथराई का भी निजाम बहुत अच्छा है। आप मुझे बताएं कोई नया बंदा जो स्टार्ट करना चाहे वो किस तरीके से कर सकता है, क्योंकि आजकल आपको पता है पाकिस्तान में महंगाई। और देखिए स्टार्ट करने की सबसे पहले उसका इंटरेस्ट कितना है, इस फील्ड के अंदर कितना इंटरेस्ट है, ये मेन फैक्टर है। आप ज़रूरी नहीं कि देखें, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा ना, जैसे मुझे खाने पीने और हम दोनों भाइयों को खाना पकाने में इंटरेस्ट था। हमने अपने अब्बू को बचपन से देखा कि हमारे अब्बू लंदन में रहे हमेशा, हाँ यूके में रहे और दुबई में रहे। अब्बू जो थे अपने हर काम खुद कर लिया करते थे, तो हमें ये चीज़ थी, हमने बचपन से देखी हुई थी कि एक मर्द भी अपना काम खुद कर लेता है। अब एक लड़की को अगर आदत ही नहीं है अपना काम करने की खुद, तो सर उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है कि वो झुंझलाया जल्दी जाएगा। लिहाजा इसमें पेशेंस बहुत चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशेंस। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले जो चीज़ शुरू करना चाहता है अपना माइंड मेकअप करें, क्या वो बेच सकते हैं प्रोफेशनली, और उसका फिर टेस्ट लेकर आए अपने घर में। जी हाँ। अच्छा वैसे ये स्टार्टअप में कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए? सर कम से कम मैं समझता हूँ 1.5 लाख रुपए। ओके, 1.5। ठीक है, तो बिल्कुल है, कर सकते हैं। तो वैसे भी एक अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, जॉब से बहुत बेहतर रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा यकीन है, क्योंकि मैं दुबई से जॉब करके आया हूँ। मैं दुबई में जॉब करता था और आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने बहुत अच्छी अच्छी जॉब करी अपनी लाइफ में और अच्छा रहा, अकाउंट और फाइनेंस के अंदर में रहा हमेशा। लेकिन ये कि मैंने जितना अच्छा इसमें पाया ना, जितना एंजॉय इसमें किया शायद जॉब में कभी भी नहीं किया। मतलब अपना कारोबार, अपना कारोबार। बिल्कुल सर, यकीन करें एक बर्गर भी अगर आपका बिके ना, तो वो आपको इतना एंजॉय करते हैं कि जिसकी कोई याद नहीं कि यार मेरी चीज़ बिकी है, मेरी बनाई हुई चीज़ ने किसी ने तारीफ करी है मेरी बनाई हुई चीज़ की। तो ये इन्होंने बर्गर फाइनल मेक कर दिया, इनका जो है वो हम अपना बर्गर निकलवा के और टेस्ट का रिव्यू करवाते हैं आपको कैसा। ये भी मेन मस्कन पे मौजूद है, ये बिल्कुल मेन मस्कन, बिल्कुल जो चॉपस्टिक चाउमीन है उनके एग्जैक्टली बराबर में ही है। तो इनका जो है ना वो बर्गर निकलवा के हम रिव्यू कर आपको बताएंगे। तो भाई ये सलमान भाई ने हमारा जो है बर्गर रेडी कर दिया, इनका मस्कन बर्गर के नाम से जो है ये मस्कन पे बर्गर मौजूद है। और सलमान भाई ये खुद बताएंगे कब से मौजूद है, और मैं इनका बर्गर खाता भी जाता हूँ साथ साथ। आप ये बताएं कि कब से मौजूद है यहाँ पर मस्कन? देखिए हम मस्कन में तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से मैं अपना बोफल्स को रन कर रहा था। उसके बाद मैंने शेक्स का करा, यानी प्योर शेक्स का, लेकिन वो ऐसा है कि लिम्का सोडा ने शेक्स को ख़त्म कर दिया, उसको फिर फिलहाल मैंने वाइंड अप करा। उसके बाद फिर मेरा
मैं अपने भाई को लेकर आया इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं कहा तुम चाइनीज रेस्टोरेंट्स में हो और एज अ फ्लोर मैनेजर हो, छोड़ो तुम अपना काम करो, जॉब होता करो। उसने रन किया, उसको अच्छा स्कोप मिला। उसके बाद हॉट प्लेट का मेरा शौक है बहुत ज़्यादा कि मैं हॉट प्लेट में काम करूँगा। तो मैंने सोचा भाई कोई एक ऐसी चीज़ शुरू करूँ जिससे मेरा हॉट प्लेट का शौक पूरा हो। मैं कहा बर्गर लाया है, अंडे वाला बनवा, यानी एक ऐसी चीज है जो हर कोई खाता है। आप इसका खा रहे हैं और इस वक्त जो मैं खा रहा हूँ और आपके बाखुदा जो शामी कबाब है आपका, ये आपको डिफरेंट तो लग रहा होगा और जगहों से। ये मेरे घर की रेसिपी है, मैं अपने घर में बहुत सारे मसाले डाल के इसको दाल में तैयार करते हैं हम लोग। उसमें चिकन को भी साथ डाल के बोनलेस चिकन को चॉप करता हूँ मैं। उसके बाद चटनियों में मेरी बहुत मेहनत, और जो आपने मुझे इमली की चटनी ट्राई करवाई थी ना, उसका तो अलग ही लेवल का कॉम्बिनेशन टेस्ट आ रहा है। क्योंकि उसमें मैंने बड़ी मेहनत करी, उसमें 2 महीने लगे थे मुझे बनाने में, और मेरा भाई भी मुझे गाइड करता रहा इसमें ये चीज करो ये चीज करो, इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है वो, और डिफरेंस लाने के लिए। और बहुत अच्छा, इंशाल्लाह ताला आगे मेरा प्रोग्राम है कि मैं चबली कबाब का बर्गर इसी चटनी के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, ये चबली कबाब इसके साथ बहुत मजे का लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि चबली कबाब जो है वो गोल बन में आएगा, और एक चबली कबाब के साथ एक सैलेड का पत्ता होगा मेरा, उसमें मोटा सा एक बड़ा सा टमाटर का पीस होगा, और रिंग्स होंगे अपना अनियन के, और उसके बाद ये इमली की चटनी बेहतरीन लगेगी इंशाल्लाह। और बहुत ही जो है ना जबरदस्त टेस्ट है इनके बर्गर का, और लेवल है एक और अलग लेवल। दो बर्गर के साथ मैंने इस वक्त एक बर्गर अपना फ्री किया हुआ। अच्छा, ये ऑफर भी चल रही है इनके पास, जो दो बर्गर दे रहे हैं ना उसके साथ एक बर्गर फ्री दे रहे हैं, और ये मस्कन पे मौजूद है। और इसके अलावा ये है कि चॉपस्टिक जो है वो उसके बिल्कुल बराबर में इनका जो है मस्कन बर्गर है, और बिल्कुल अलग लेवल का टेस्ट है। आकर ज़रूर ट्राई करें यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि जो ये जो कार्ड्स होते हैं इनका जो है खाना कुछ अलग डिफरेंट होता है, ये भी बहुत अच्छा लेवल का होता है। सिर्फ डिपेंड करता है कि साफ सुथरा है और इस चीज़ पर। और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह इनकी मेकिंग है, काफ़ी अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट है, वेल मैनर्ड लोग हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है इनका बर्गर खाकर। और आप भी आकर ज़रूर ट्राई करें। ये मस्कन पे मौजूद है बिल्कुल कराची यूनिवर्सिटी के सामने, मस्कन का जो चौरंगी है बयानी हाइट्स के सामने। हम अपने लेवल्स को बरकरार रखेंगे, अपने हर चीज तरह से देखते हैं कि हाइजेनिक हो हमारा फूड, बिल्कुल साफ सुथरा हो। बिल्कुल, और अगर मैं अपना शामी कबाब भी लेकर आता हूँ तो मैं अपना पैक करके अपने इसी तरह से अपने कंटेनर्स में लेकर आता हूँ। कंटेनर्स जो है इनके पास है मौजूद हर चीज का, और इस तरह से मैं लेकर आता हूँ, और मैं बना के रखता भी नहीं इस वजह से कि उसमें डस्ट उड़ती है तो वो आ जाएगी, तो मैं इस तरह से लेकर आता हूँ, उसको रैप करके रखता हूँ, और जो मेरा ऑर्डर आता है उसी को मैं उसको तैयार करता हूँ, फ्राई करता हूँ उसी को। ठीक है, तो ये आप जरूर आकर ट्राई करें मस्कन पर मस्कन बर्गर, और मेरे चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहें ब्लॉगिंग में। थैंक यू, और सब सब्सक्राइब करें इनके ब्लॉग्स जरूर।